हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ टिकटॉक वायरल रेसिपी। तो सबसे पहला जो मेरा रेसिपी है वो है मूंग पॉपकॉर्न, जो काफ़ी वायरल है। मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैं कैसे होता है ये, मुझे तो बनाना ही है। तो मैं ये दिखा रही हूँ आप लोग को, ये सच में है या फेक है। तो देखिए, टिकटॉक वायरल वीडियो में बनाया गया है, मैं सेम तरीके से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ऑयल डाला है, जैसे मूंग डाला है, वैसे ही। लेकिन लास्ट रिजल्ट देखते हैं हमारा क्या आता है। उनका तो सच में गाइस मैं बता नहीं सकती, उनका तो रियल में पॉपकॉर्न बना था, लेकिन मेरा देख के मेरा तो मूड ही खराब हो गया। ये क्या हो गया, मेरा मूंग भी वेस्ट हुआ, साथ में मेरा बटर भी वेस्ट हुआ। मतलब गाइस, मैं सच बता रही हूँ, आप लोग भूल से भी इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई मत करिएगा, ये फेक है, 100% फेक है। उसके बाद मैं जो दूसरा बताने वाली हूँ वो है टॉफ़ी का कैंडी। तो ये एल्पेन लीवे लिया है मैंने, आप किसमें बार या कोई भी टॉफ़ी ले सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद इसको हम चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गाइस, एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो हमारा गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो होना चाहिए, और मैंने भी बिल्कुल स्लो ही रखा है। उसी स्लो पे मैंने ढक के इसको मेल्ट होने दिया है, और करीब 1 मिनट लगा है मुझे मेल्ट होने में। इसको मेल्ट हो गया है ये, और देखिए ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा काफ़ी बबल्स भी आ रहा है इसमें। उसके बाद मैं इसको चला लेती हूँ। ये सेम मैं वायरल रेसिपी की तरह ही बना रही हूँ। देखिए, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आप देखेंगे कि बेकिंग सोडा डालने के बाद इसका टेक्सचर ही चेंज हो गया है। ये जो हमारा बर्तन है, यानी कि जो हमारा पैन है, वो तो बिल्कुल उसको छोड़ दे रहा, ऊपर से ये काफ़ी बबली दिख रहा है और मिक्स हो गया है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, और अब मैं इसको एक मोल्ड में डाल रही हूँ। आप कोई भी, मैंने जो वायरल में देखा था वो इसको किसी भी बटर पेपर पे डाल के अपने शेप एंड साइज में कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास मोल्ड था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मोल्ड में डालूं। और मोल्ड में डालने के बाद मैं इसको ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ मैं आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये काफी अच्छा बन गया था। उसके बाद मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ही क्रिस्प था, काफी अच्छा था। तो ये इसका रिजल्ट तो काफी अच्छा आया, लेकिन मैं बोलूंगी कि यार इसमें इतना वेस्ट करने के बजाय आप टॉफी ही खाइए, वो ज्यादा बेटर है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।